कुरान को देख कर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बेगर देख कर ये बात तो अभी ए, सामने आ ही गई कि कुरान की तिलावत करना चाहिए बिल्कुल रहा आपका ये सवाल कि उसे देख करके के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या आ, जबानी जी जो आदमी देख करके के पढ़ता है जी उसके पढ़ने में ज़्यादा कुलफतें नहीं हैं और जो आदमी हफ् से पढ़ता है यकीनन हिफ़ करने के लिए उसने बड़ी मेहनत की बड़ी मेहनतें की होंगी और उसका मकसद उस हिफ़ को बाकी रखना भी है तो अल्लाह तबारा बंदे के नियतों के अतबार से उन्हें सवाब देता है जी और जो आदमी इबादत में जिस कदर मशक्क़त बर्दाश्त करता है उस एतबार से उसका स्वाब ज़्यादा होता है वहीं पर वो हदीस भी आप याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्मा अलमा किरामिल बर्रा कि क़ुरान को रवानी के साथ पढ़ना फ्राटे के साथ पढ़ना ऐसे लोगों का मामला अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा असफरा अल अलबर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रा मुकर्रब मुज़ फरिश्तों के साथ उसका मामला होगा वो आदमी जो अटक अटक करके कुरान पढ़ता है अटक कट के आप देखते होंगे मस्जिदों के अंदर जो बेचारे बहुत बुजुर्ग लोग जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा या स्कूल नहीं गए या किसी तरीके से तो कुरान नहीं पढ़ पाए या उन्होंने पढ़ा लेकिन सही तरीके से नहीं अब बेचारे वो एक खरफ जोड़ करके पढ़ते हैं वो जी और उनका सुनना उनका पढ़ना देख करके के यकीन आदमी को ऐसा लगता है कि इस पर सवाब इनकी मेहनत देख करके आदमी को ख़ुद तरस आता है तो वो अल्लाह जिसके पास निन्यानवे रहमतें हैं सौ रहमतों में से एक रहमत आदमी को दिया है वो ये महसूस करा कि देखो बेचारा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है तो अल्लाह तबाह तौ तो उससे ज़्यादा सवाब क्यों ना देंगे तो उसके लिए दो अजर हैं एक अजर तो पढ़ने का दे। दे। और दूसरा जो मेहनत कर रहा है वो उस मेहनत का तो इसलिए इंसान के तकलीफ़ों पर और उसकी मशक्क़तों के अतबार से अल्लाह तबात ने स्वाब रखा है और उसकी नीयतें क्या हैं उस पर उनके सारेब का दारदार है जी जी, जी। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैरा शेख महतरम बहुत ही अहम मालूमात कुरान के ताल्लुक से आपने हमें फ़राम की है अल्लाह आपको जज़ाय खैर अता करे नाजरीन कराम हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली शेख मोहतरम की उम्र और साहत में इजाफ़ा अता करे और आपके इल में भी इजाफा आता करे। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें